दोस्तों, इस वीडियो में मैं क्लियर चार प्रिंसिपल्स के ऊपर बात करने वाला हूं सभी स्टूडेंट्स के लिए जो लाइफ में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहा, पढ़ते हैं लेकिन एजुकेशन न कर पा रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, आउटपुट नहीं आ रहा। तो ये चार प्रिंसिपल्स आपके लिए है। सबसे पहला जो प्रिंसिपल ये है, डिसिप्लिन योर माइंड। आपका माइंड आपका डिसिप्लिन बिहेव करना चाहिए। क्यों, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। राम और श्याम दो दोस्त थे भाई। एक कंपटीशन हुआ, उस कंपटीशन में दोनों को एक आरी दी गई, राम को भी और श्याम को भी। बोला कि भाई आपके पास 3 घंटे हैं, इस आरी से आपको सामने वाली दो पेड़ है बिल्कुल सेम एक जैसी, ये पेड़ काटना है। जैसे बेल बजी, राम ने आड़ी ली और वो गायब हो गया, श्याम ने आड़ी ली और वो लग गया काटने पे, लगा रहा एकदम। 1 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, बिल्कुल फोकस्ड होके वो काम कर रहा है। श्याम ने 2 घंटे बाद देखा कि भाई सामने वाला बंदा गायब। आश्चर्य हुआ कि बरा मुझसे 2 घंटे तो वैसे ही निकल गया, कट नहीं रहा, वो तो कॉम्पिटिशन से ऐसी बार है। थोड़ा आराम हुआ, आराम से चिल्लो के काटने लग गया, लगा पड़ा है। 2.5 घंटे बाद जब आधा घंटा सिर्फ बचा था, 1/2 आवर, तब राम कहीं से आता है, बड़ा खुश मिजाज आता है और पेड़ पे लगता है और 1/2 आवर में पेड़ काट देता है। और श्याम 3 घंटे में भी कंप्लीट पेड़ नहीं कट कर पाया। लोग आश्चर्य थे, श्याम परेशान था कि उसने अपना पूरा फोकस दिया, पूरी डेडिकेशन दी, पूरी एनर्जी लगा दी, तब भी जाके उससे पेड़ नहीं कटा, इसने सेम आड़ी से कैसे काट दिया। उससे पूछा गया राम से कि भाई तुमने ऐसा क्या किया। तो राम ने बताया कि मैंने 2.5 घंटे इस आरी में धार देने का काम किया। मेरे दोस्तों, ये चीज समझनी पड़ेगी आपको, हमेशा कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में प्रेजेंटेशन लेना। वहीं पे अगर चाहे वो 5 घंटे इसको देते, सिर्फ सामने वाले ने 10 मिनट 30 मिनट उसमें जाके उसने वो चीज एग्जीक्यूट कर दी, तो वो ज्यादा बेटर है। लर्निंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सही तरीके से ये चीज समझनी पड़ेगी। एंड जो मेरा सेकेंड प्रिंसिपल है वो है लर्न एंड एग्जीक्यूट। हम में से ज्यादातर लोग एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, लर्निंग्स 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 लर्निंग्स। मेरे दोस्त, मैं आपको एक प्रिंसिपल बताता हूँ, एक होता है रीडिंग और एक होता है लर्निंग्स। हम में से ज्यादातर लोग, ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं, वो 5 घंटे पढ़ाई पढ़ते हैं और उसे लर्निंग के लिए सिर्फ 1/2 आवर देते हैं, जो कि हमें उल्टा करना चाहिए। हम इनपुट्स ज्यादा डालते हैं और आउटपुट्स बहुत कम निकालते हैं। हम जितनी बुक्स पढ़ते हैं, जितना रिविजन करते हैं, ये सिर्फ हमारा इनपुट्स है। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको ब्रेन में फिक्स करने के लिए, उसके लिए आउटपुट पे काम करना पड़ेगा, जो बहुत हम लेस टाइम स्पेंड करते हैं। समझना पड़ेगा, हमेशा इनपुट्स जो है वो आपकी पढ़ाई है, लेकिन जो आउटपुट वाला पार्ट है वो सबसे बड़ी चीज क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन, सामने वाले को एग्जीक्यूट करना, उसके बाद शेयर। हम में से ज्यादातर लोग ये बिलीव करते होंगे मेरे साथ, जो हैंड रेस करेंगे आप सब, अगर आप ये बिलीव करते हैं कि जो चीज पढ़ने के बाद अगर किसी को पढ़ाई जाए, सीखने के बाद किसी को सिखाई जाए, जानने के बाद किसी को बताई जाए, वो चीज ज्यादा देर तक रहती है। तो जब तक आप शेयर नहीं करेंगे, रिसर्च नहीं करेंगे, उसको एलेबरेट नहीं करेंगे, तब तक वो चीज समझ नहीं आएगी। हम में से ज्यादातर लोग इनपुट पे टाइम देते हैं, पढ़ने पे, ना कि सीखने पे। जो चीज, अगर आप खुद सोचिए, आप दिन भर में जितनी लाइक फोन्स में सारी चीजें देखते हैं, क्या आपको उसका 2% भी याद होता है? आई एम श्योर नहीं। अगर आपने सिर्फ 2% ही देखा होता तो शायद आपका उतना समय बचता, और 2% का टाइम आप थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा करके उसको माइंड में ग्रैब करते तो विद इन 1 ईयर आप बहुत कुछ सीख जाते। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। हमेशा ज्यादातर स्टूडेंट बहुत परेशान रहते हैं इन चीजों से। अरे आप क्या सोचते हो कि एग्जामिनेशन हमेशा नेक्स्ट डे होता है? नहीं, एग्जामिनेशन हमेशा नेक्स्ट डे नहीं होता। होता जरूर है लेकिन नेक्स्ट डे नहीं होता। आपको इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी पहले से। हमेशा ये प्रिंसिपल आप अपने माइंड में डाल लीजिए। ज्यादातर स्टूडेंट, जो मैं कह रहा हूँ आपको, कि हम मोस्टली ये मिस्टेक करते हैं, हम रीडिंग्स बहुत करते हैं, लर्निंग्स बहुत कम करते हैं। हमें लर्निंग्स बहुत ज्यादा करना चाहिए, रीडिंग्स बहुत कम करना चाहिए। आप दिन के सिर्फ 1 पेज पढ़ें, जरूरी नहीं आपके पूरा चैप्टर खत्म कर देगा, लेकिन उस पेज को सही से लर्निंग्स मिलाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, मैं आपसे एक और बात कहूंगा कि नेक्स्ट है जो लर्न इन्फ्लुएंस पीपल। हमें से ज्यादातर लोग मोटिवेशन को ढूंढते रहते हैं। मोटिवेशन फॉर व्हाट? गिफ्ट हो सकता है, अच्छे नंबर हो सकते हैं, पापा की कार हो सकती है, बाइक मिलना हो सकता है, कुछ पैसे मिलने हो सकते हैं, कहीं ट्रिप हो सकता है। दिस इज कॉल्ड मोटिवेशन, जो कि शॉर्ट टर्म है। आज नंबर ले आए, घूमने चले गए, खत्म, अब नेक्स्ट गोल होगा। बट जो इंस्पिरेशंस होता है, दे ऑलवेज सर्टेन कंसिस्टेंसी, वो एक कंसिस्टेंसी बना के रखता है। आपको एक ऐसा पीपल ढूंढना पड़ेगा जो आपको हमेशा इंस्पायर करे, जो हमेशा आपको इंस्पायर करे। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि वो ऐसे लोग कौन हैं जिनके बारे में आप, जिनके विचार आप हमेशा सुनना चाहते हैं। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अगर ये चीज़ नहीं समझेंगे तो वो चीज़ वहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगी मेरे दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा, क्योंकि
क्या लगता है आपको, जब तक आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ क्लासरूम में जाते हैं कि यू आर अ विनर, अब अगर आप एक विनर बन के जाएंगे किसी क्लासरूम में तो आई एम श्योर उस क्लास से बाहर निकलते वक्त भी आप एक विनर कहलाएंगे, विनर ही बनेंगे, विनर ही होंगे। लेकिन आपका माइंडसेट ही एक उस लेवल से जा रहा है तो आप विनर कैसे बन सकते हैं, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो हमेशा एक मेंटोर होना चाहिए जो क्लासरूम में आपके लिए हमेशा बैठा हो, जो आपको नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। मेरे दोस्त, आपके पास क्विट करने का समय नहीं है, आपके पास फियर का समय नहीं है, आपके पास गिव अप का समय नहीं है, आपके पास एक्सक्यूज देने का समय नहीं है, आपके पास नेगेटिव होने का समय नहीं है, आपके पास क्विट करने का समय नहीं है, फियर कुछ भी चीज आपके पास नहीं है, बिकॉज आपको आप जैसे हैं दिस इज अ वे। सुबह उठ के एक सही पॉजिटिव माइंड से अगर आप काम करते हैं, उठना इंपॉर्टेंट नहीं है, सुबह कितने बजे उठ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सुबह उठना इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं ना कि वाह क्या लाइन कही, किसने कही, किसने कही, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या कही ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे दोस्तों इस चीज को समझना पड़ेगा आपको, यू क्रिएट योर ओन स्टोरी। और जो नेक्स्ट मेरी लाइन है कि ऑलवेज चेंज योर स्टोरी। हर स्टूडेंट के साथ एक न एक समस्या रहती है। अगर आप फाइनेंशियली बहुत वीक हैं तो आपके साथ पैसों का चैलेंज होगा, आप फाइनेंशियली ठीक हैं तो आपके पास फैमिली का चैलेंज होगा, भाई फैमिली बहुत प्रेशर दे रही है, फैमिली प्रेशर नहीं दे रही, फाइनेंशियली भी ठीक है तो गर्लफ्रेंड की प्रॉब्लम हो सकती है, भाई बंदीबाजी में फंसे होगा आप, वो ठीक है तो लड़ाई झगड़े में दोस्तों इतने सारे हैं कि आपके पास टाइम नहीं मिल रहा पढ़ने का, चैलेंजेस ऑलवेज होंगे, स्टोरी ऑलवेज क्रिएट होगी। तो मेरे दोस्तों हमेशा उस स्टोरी को चेंज करो, फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं है तो बनो, दोस्त ज्यादा है कम करो, अच्छे क्वालिटी दोस्त लाओ, क्योंकि अगर ये चीज नहीं करोगे लाइफ में कभी सक्सेस अचीव नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये वो 4 प्रिंसिपल थे जो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस में हमेशा ऑलवेज आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में काम आएंगे। आप में से ज्यादातर स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं एक चीज मिस आउट करते हैं वो है एग्जामिनेशन का टाइम कैप। मान लीजिए आपके एग्जामिनेशन में अब 6 मंथ का टाइम है, या अभी जस्ट रिसेंटली आपने एग्जाम कंप्लीट किया है, क्या कर रहे हैं फिर आप इस टाइम? अब आप जा रहे हैं लाइक वेकेशंस पे, घूमने पे, इंजॉय कर रहे हैं, ये इंजॉय आप पेपर से पहले भी कर रहे थे, लेकिन ये टाइम कुछ समथिंग चेंज का है। क्या आप इस टाइम गिटार बजाना सीख सकते हैं, अगर आपका हॉबी है तो? कोई आपसे पूछता रहे तुम्हारे पास गिटार है क्या, बजाना था? नहीं नहीं ऐसे ही रखा हुआ है। क्यों? बजाना सीख लीजिए। अभी आज के टाइम पे वर्क एट होम का इतना बड़ा क्रेज है बिकॉज इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है, चाइना से इंडिया का ट्रेड बंद हो चुका है, दुबई में बहुत क्राइसिस चल रहे हैं क्योंकि कोरोना वायरस जब रिसेंटली आया तो इसकी पहले तो भी हम अपनी जान के लिए मर रहे हैं भाई कहीं जान न चली जाए कोरोना वायरस से, लेकिन जब ये चीज़ ठीक होगी तो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करेगी। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई कि SBI ने बोला कि भाई अब जो है हम किसी भी अकाउंट्स की लिमिट नहीं रख रहे कि आपको 3,000 रुपये खाते में रखने पड़ेंगे, अब 0 लिमिट है। लोग लगा वाह मज़ा आ गया, मज़ा ये नहीं है, उसके पीछे उसका एक माइंड सेट है। मैंने 12 साल इकोनॉमिक्स पढ़ाई है, माइंडसेट ये होता है कि जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रिसेशन के दौर चल रहे होते हैं तो उस टाइम लोगों को पैसा हाथ में होना चाहिए, लोगों ने तो बैंक में डाल रखा है तो इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं कि भाई पैसे लो और मार्केट में खर्च करो, तो रिसेशन बहुत ज्यादा रहा है, जॉब्स बिल्कुल जा रही है, जॉब्स नहीं है, इस दौरान वर्क एट होम बहुत